नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी राबड़ी जी के आवास के बाहर हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जिस तरह से 9 तारीख की उनकी शादी हुई वही मिस्टीरियस ही रही, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि शादी कब होगी। जब शादी के बारे में लोगों को पता चला तो बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि सुबह से लोगों को पता था कि आज तेजस्वी जी मंगनी करेंगे। शादी का दिन दूसरा था मगर उसी दिन उन्होंने शादी कर ली। तड़के रात सुबह सुबह लोगों को पता चला कि तेजस्वी यादव जी रात में 1 बजे आ चुके, पर अभी तक सुबह से हम लोग राबड़ी आवास के बाहर हैं, पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है तेजस्वी जी आए हैं कि नहीं। पर अभी अभी तेजस्वी जी के घर के बाहर यानी राबड़ी जी के घर के आवास के बाहर हलचल हुई। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से एक ओमनी वैन आई है, उसमें देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही माँ राबड़ी देवी जी आई थी उन्होंने मीडिया को बोला था मिठाई खिलाएंगे। आपको पता होगा हिंदू रीति रिवाजों के तरह जब बहू जब गृह घर में प्रवेश करती है तो किस तरह से घर को सजाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में किस तरह से ओमनी वैन आया हुआ है, उसके अंदर कुछ बहुत सारे फ्लावर्स देख सकते हैं, फ्लावर पॉट्स आप देख सकते हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे गिफ्ट के सामान होंगे या सजावट के ही सामान होंगे। आप वीडियो के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ, यही यह एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे राबड़ी जी के आवास के घर पे सुबह से ये पहली हलचल है। अब लगता है सूत्रों के अनुसार से अब खबर आ रही है कि तेज प्रताप जी जल्द आज पटना आने वाले हैं। आज वह रात 8 या 9 बजे तक फ्लाइट दिल्ली से फ्लाइट अपनी पत्नी राजेश्वरी यादव जी के साथ वह आने वाले हैं। उसके बाद यहां पर एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा, क्योंकि बिहार में खरमास का महीना 15 तारीख से चलने वाला है। 15 तारीख के पहले ही वरवधू को घर आ जाना पड़ता है, इसीलिए तेजस्वी यादव जी आज सूत्रों का से खबर आ रही है कि वह आज आ सकते हैं। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।